अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। भाई ये है जी इन्फिनिक्स का 035G। आज मैं स्मार्टफोन का पबजी टेस्ट करने वाला हूं। बेसिकली स्मार्टफोन के अंदर मीडियाटेक डायमेंसिटी 8020 वाला चिपसेट आता है, जो कि परफॉर्मेंस के लिहाज से काफ़ी ज़रा पावरफुल है। एंड साथ ही साथ इस स्मार्टफोन में 12GB की रैम भी आती है। अब देखना यह है कि ये स्मार्टफोन हमें पबजी के अंदर कैसी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। वैसे गाइस पबजी टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, कल मैंने स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग वीडियो अपलोड की है। अगर अभी तक आप लोगों ने अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखे तो क्या कर रहे हो भाई, फर्स्ट पिन कमेंट के अंदर आप लोगों को अनबॉक्सिंग वीडियो का लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग अनबॉक्सिंग वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। सो अब आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, यहां पर पबजी को लोड करते हैं, देखते हैं कि भाई पबजी जो है वो कितने टाइम के अंदर लोड होती है। तो यहां पर स्टॉपवॉच भी आ चुकी है, 1 2 3 स्टार्ट। देखते हैं कि भाई पबजी जो है वो कितने सेकंड में लोड होती है। सो भाई पबजी को लोड होने में टोटल 33 सेकंड लगे हैं। तो इसको करते हैं अभी साइड पर। अब आते हैं अपने स्मार्टफोन की तरफ और देखते हैं कि भाई इन्फिनिक्स 030 के अंदर हमें कितने ग्राफिक्स मिलते हैं, कितने FPS मिलते हैं। तो सबसे पहले सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग क्लिक करते हैं और उसके बाद ग्राफिक्स में जाते हैं। एंड यहाँ पर आप लोग गाइस देख सकते हैं स्मूथ के साथ पावर सेविंग, मीडियम, हाई, अल्ट्रा, एक्सट्रीम ग्राफिक्स भी मिलते हैं। एंड बैलेंस में आप लोग को अल्ट्रा तक ऑप्शन मिलता है। HD के अंदर भी आप लोग को अल्ट्रा तक ऑप्शन, HD के ऊपर क्लिक हो जाए भाई, नहीं हो रहा, ये डाउनलोड हो रहा है। बाकी HDR के अंदर आप लोग को अल्ट्रा मिलता है, तो भाई HD के अंदर भी डेफिनेटली अल्ट्रा मिलता है, और अल्ट्रा HDR जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो हम जो है वो स्मूथ के साथ एक्सट्रीम प्ले करेंगे एंड कलरफुल ग्राफिक्स कर देते हैं। इसको ओके करते हैं एंड सिंपल यहाँ पर हम टीम डेथ मैच लगाते हैं, उसके अंदर चेक करवाता हूँ कि भाई स्मार्टफोन में जायरो जो है वो कितना अच्छा वर्क करता है। सो गाइस मैच स्टार्ट हो चुका है, सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में जाने के बाद एडवांस कंट्रोल, और यहाँ पर जाकर जायरो को ऑन करते हैं एंड इसको क्रॉस करते हैं। तो ये देखो गाइस, ये है स्मार्टफोन का जायरो, बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रहा है। जायरो हार्डवेयर बेस आता है, कोई भी डिले देखने को नहीं मिलता, और आप लोग इसको प्योर गेमिंग स्मार्टफोन भी कह सकते हैं। तो अभी चेक करते हैं कि भाई परफॉर्मेंस जो है वो कैसे निकल कर आती है इसकी। सो भाई गेम जो है वो काफ़ी ज़रा स्मूथ चल रही है, 60 FPS होने की वजह से गेम जो है वो बहुत ज़रा स्मूथ चल रही है। वैसे मुझे इतनी ख़ास खेलनी आती नहीं है, देखते हैं कि भाई कैसी परफॉर्मेंस निकल कर आती है। ओ लग गई उसको, लग गया शॉट, लग गया भाई पहला, वो बड़ा मुश्किल मारा यार ये तो। ओ यार भाई, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़रा स्मूथ चल रही है गेम, किसी किस्म का कोई भी डिले वगैरह देखने को नहीं मिल रहा, जायरो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। लेकिन इनकी गन का डैमेज ज़्यादा है, इसलिए जो है वो मुझे मार पड़ रही है। खैर वो एक अलग बात है, खेलने के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप उसको कितना ज़्यादा अच्छे तरीके से गेम को जो है ना वो प्ले करते हो। चलो भाई घर जाओ अब। फाइनली यार ये वाला मैच ख़त्म हो चुका है, परफॉर्मेंस इस स्मार्टफोन की बहुत ज़्यादा बेहतरीन निकल कर आती है। खैर यार मैं बैटरी परसेंटेज देखना भूल गया था, इस टाइम 76% है। हाँ जब मैंने इस स्मार्टफोन के अंदर गेम चलाई थी उस टाइम भी 76% थी, और अभी मैं अगर हीटिंग की बात करूँ तो भाई ये स्मार्टफोन जो है वो बिल्कुल भी हीट नहीं हुआ। तो ये चीज़ आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। वैसे इस टाइम मौसम जो है वो थोड़ा सा ठंडा हो गया, तो इस वजह से जो है वो स्मार्टफोन बिल्कुल भी हीटअप नहीं हो रहा। सो इसके बाद मैं अब सेंट्रोनी खेलूंगा टीम डेथ मैच, तो इसको स्टार्ट करते हैं। सो भाई फाइनली सेंट्रोनी लग चुका है, अब देखते हैं कि भाई सेंट्रोनी के अंदर इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस जो है वो कैसी निकल कर आती है। यार ये जो शॉटगन वाला आता है ना, ये सारा काम ख़राब कर देता है, धड़िल धड़िल ख़त्म, बंदा वैसे ही ख़त्म। सो
सो भाई ये वाला मैच भी ख़त्म हो चुका है और इस मैच के अंदर भी हम हार चुके हैं। वैसे 8 बंदे मैंने मारे हैं यार, बाकी जो है वो क्या करते रहे हैं यार, 8 बंदे मैंने मारे और सबसे हाईएस्ट मैंने ही मारे हैं भाई। सो भाई वीडियो शूट करने की वजह से मैं थोड़ा सा रिलैक्स होकर नहीं बैठा हुआ, जिसकी वजह से मैंने 8 किल किए हैं, वरना 15 किल तो निकल ही आते, बाकी तो सारे जो है ना वो बेवफा निकले, उन्होंने तो भाई किल ही नहीं किए। खैर परफॉर्मेंस जो है वो स्मार्टफोन की काफ़ी ज़रा बेहतरीन निकल कर आई है। ये मैच ख़त्म हो गया है और उस टाइम 76% चार्जिंग थी और अभी जो है वो 74% चार्जिंग हो चुकी है। मतलब कि अगर आप लोग एक आधा मैच लगाते हैं तो भाई 2-3% चार्जिंग जो है वो ये स्मार्टफोन गिराएगा, इससे ज़्यादा नहीं गिराएगा। एंड अगर मैं हीटिंग की बात करूँ तो भाई मैंने पबजी के अंदर 2 मैच खेले हैं, 2 मैच खेलने के बाद ये स्मार्टफोन जो है वो माइनर सा हीट हुआ है। उसके पीछे रीज़न ये है कि भाई हर स्मार्टफोन जो है वो माइनर सा हीट ज़रूर होता है। सो ओवरऑल गाइस आप लोगों ने स्मार्टफोन की गेमिंग परफॉर्मेंस चेक की, मुझे स्मार्टफोन की गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी लगी, गेम खेलते हुए किसी किस्म का कोई भी इश्यू फेस करने को नहीं मिलता। आप लोग डेफिनेटली स्मार्टफोन को गेमिंग के लिए परचेज कर सकते हैं, ना सिर्फ गेमिंग के लिए बल्कि आप लोग स्मार्टफोन को कैमरे के लिए, ओवरऑल यूजेज के लिए भी स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हैं। ये स्मार्टफोन आप लोगों को ओवरऑल परफॉर्मेंस बेहतरीन प्रोवाइड करेगा। सो उम्मीद करता हूं गाइस आज की वीडियो आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। फर्दर आप लोगों का स्मार्टफोन के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए भाई को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।